नमस्कार दोस्तों, वह सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस बार फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, वह सब पास आउट होने वाले हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमसे बात करने की कोशिश की है और सभी ने पूछा है कि सर, हमें पास आउट होने के बाद जॉब करना चाहिए या फिर आगे पढ़ाई करना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि पास आउट होने के बाद हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो हम लोग चुन सकते हैं। बस आपको यहां पर ध्यान से सुनना है और डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको क्या करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन जो सबके दिमाग में रहता है वह रहता है जॉब, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। क्या होता है जॉब, ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आता है ये भी सबके दिमाग में है, जॉब प्लस बीटेक। क्या होता है जॉब प्लस बीटेक। थर्ड जो ऑप्शन रहता है वह रहता है हमारा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन। फिर हमारा जो फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं अभी मैं चर्चा करूंगा। फिर होते हैं सिक्स, होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर कोर्सेस। सॉफ्टवेयर कोर्सेस क्या होते हैं इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है बीटेक, है ना। बीटेक हमने ऊपर वैसे लिख दिया था लेकिन यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बीटेक ओनली। फिर एट ऑप्शन हो सकता है हमारा बीटेक प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। अब ऐसा क्यों लिखा, ए बी में सब पर चर्चा करूंगा। बिल्कुल आपको आपको ध्यान से सुनना है, आगे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जो जो मुझे याद आते जाएंगे वो मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं जॉब की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। वाई स्टूडेंट जिन जिन जो घर में थोड़े से मतलब कह सकते हैं पैसे की प्रॉब्लम रहती है और कैसे भी उन्होंने पढ़ाई की है, चाहे वो स्कॉलरशिप जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो भी फीस वगैरह मिलती है उससे की हो, जिसे हम स्कॉलरशिप बोलते हैं, या फिर जैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी पैसा आता हो, उन्हें पास आउट हो गए, उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, उनको ऐसा लगता है कि जॉब ही करना है मुझे, तो फिर क्या करना चाहिए, उनको जॉब करना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि अभी पढ़ना है या कुछ और करना, कुछ भी नहीं सोचना, आप अपनी कंडीशन देख लें। दूसरी बात आती है ऐसे स्टूडेंट की जो घर से ठीक ठाक है और उनकी एज, जो क्या बोलते हैं एज, जॉब में एज फैक्टर है ना, एज उम्र आपकी अभी 18 है या जस्ट 18 प्लस है या कह सकते हैं हम 18 के होने वाले हैं, उससे कम ही है, क्योंकि 10th के बाद हम लोग डिप्लोमा करते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट कोशिश कर सकते हैं पेरेंट्स से बात करके कि कम से कम अपने आप को आगे जो ऑप्शन दिए, पहला तो ऑप्शन होता है बीटेक का, जिसमें बीटेक का होता है कि 3 ईयर्स बीटेक में आपके लग जाएंगे तो आराम से आप जो 18 प्लस हो जाएंगे तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, या जॉब तो वैसे भी मिल जाएगी लेकिन आप जॉब करने लायक हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ यहां नीचे मैंने लिखा सर्टिफिकेट, जो शॉर्ट टर्म कोर्स और सॉफ्टवेयर कोर्स, ये दोनों भी चुन सकते हैं। यदि आप जॉब अभी नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है अभी मैं छोटा हूं, जॉब करूंगा तो हम कंफर्टेबल नहीं है,
हमें पढ़ना ही चाहिए, और पेरेंट्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि आप पढ़ लो, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त बोल रहे हैं जॉब करना चाहिए। तो ऐसा दोस्तों पे की भरोसे ना रहें, आप अपनी कंडीशन देखें। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब होता है, आजकल बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एनपीटीएल का नाम सुना होगा आपने, ऐसे बहुत सारे हो गए यहाँ, जो क्या करते हैं 6 महीने का 1 साल का आपको कोर्स करवाते हैं। थर्मल से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, आरएसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा सीएनसी मशीन से भी रिलेटेड हो सकता है। सीएनसी मशीन का नाम सुना होगा, उसमें जो ऑपरेट करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह है वो करते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, वह आप कर सकते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स हो गए। यदि आप जॉब नहीं करना चाहते, कब जब जॉब नहीं करना चाहते तब की बता। सॉफ्टवेयर कोर्सेस, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ऑटो कैड है, यूजी है, प्रोई है, एनसिस है, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर हैं कि जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो भी ये कोर्सेस 6 मंथ से लेकर 1 साल के, ये भी सॉफ्टवेयर कोर्सेस रहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीपेट का नाम सुना होगा आपने, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो सीपेट कॉलेज होते हैं वो भी डिप्लोमा करवाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कोर्सेस करवाते हैं। आप लोगों ने कभी विजिट करी हो सीपेट में तो आप समझ जाएंगे, वहां पर बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, वहां पर बहुत सारी मॉडर्न मशीनें हैं, उन मशीनों से रिलेटेड ऑपरेट करने के कोर्सेस रहते हैं, प्रोग्रामिंग के कोर्सेस रहते हैं, तो वहां से जाकर भी आप कर सकते हैं। तो बीटेक के अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे वो मैंने यहां पर 5 नंबर पे और 6 नंबर पे बताने की कोशिश की। अब यहां पर मैं बात करता हूं उनकी जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, और मन में है कि जॉब भी करना चाहते हैं, और एक डाउट है कि बीटेक 1 साल बाद करेंगे या 2 साल बाद करेंगे, अभी जॉब कर लेते हैं। तो याद रखें, यदि आपके मन में है आपको बीटेक करना है और आप फीस जो भी आप सैलरी मिलेगी उससे भर सकते हैं, तो फिर आप इस जॉब की जगह आप बेस्ट ऑप्शन इसी को चुनेंगे, जॉब प्लस बीटेक। इसके फायदे भी हैं, यदि अभी आप पास आउट हुए हैं और जॉब प्लस बीटेक चुनते हैं, तो इसमें आपका फायदा ये है कि अभी आप पास आउट हुए हैं, बहुत सारी नॉलेज है, तो आप बड़े आसानी से बीटेक निकाल पाएंगे, बड़े मतलब दिमाग अभी आपका पढ़ाई में लगा हुआ है। लेकिन जॉब में 1 साल बिता लिया आपने, फिर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या होगा, फिर भी पास हो जाओगे, लेकिन आपको जो पढ़ाई का जो आलस है या जो पढ़ाई छूट जाती है वो आपके पास हावी हो जाएगा। फिर आप कैसे कॉलेज ढूंढोगे जो आपको कॉपी लिखने का मौका दें, पास कर दें, ऐसे उल्टी सीधे कॉलेज ढूंढोगे। और याद रखें, यदि आपकी इच्छा है गवर्नमेंट नौकरी करने की, यदि आपकी इच्छा है गवर्नमेंट नौकरी करने की, तो फिर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ना लें, प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। तो गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हो तो फिर एक जॉब नहीं कर पाओगे। याद रखें, गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हो तो जॉब नहीं कर पाओगे। इसलिए अब ऑप्शन क्या आता है, अगर पेरेंट्स बोले हमें पढ़ना ही है, तो फिर फुल टाइम आप गवर्नमेंट कॉलेज बड़े आसानी से मिल जाएंगे, यदि आपकी 80+ या 85 के आसपास परसेंटेज बनी हुई है, तो आपको जो गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज है, गवर्नमेंट बीटेक जो कॉलेज हैं, ये बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सीधा प्राइवेट में ही एडमिशन लेना। अगर आपकी 80+ परसेंटेज बनी है, हम कह रहे 75+ भी है, तो भी आप कोशिश करें गवर्नमेंट में अप्लाई करने की। नॉर्मल काउंसलिंग होगी कैसे, आपके डिप्लोमा के परसेंटेज के आधार पर। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो बीटेक करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से, इसके अलावा प्लस आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ में आया, कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करेंगे।
या फिर फुल टाइम प्राइवेट कॉलेज से, या क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से क्या करेंगे, फुल टाइम बीटेक कर रहे हैं। फुल टाइम का मतलब है कि जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीटेक कर रहे हैं। वो तो 100% जो लोग प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करेंगे जॉब छोड़कर, वह 100% गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में जरूरी नहीं है कॉलेज जाना पड़े। ठीक है, क्या समझ में आया? यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीटेक में, तो आप 100% गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम दे सकते हैं यदि आप जॉब नहीं करते। समझ में आ गया? लेकिन बीटेक में एडमिशन याद रखें, अगर लेना चाहे तो अभी तुरंत पास आउट हुए हो अभी लें, गवर्नमेंट कॉलेज लें या फिर प्राइवेट कॉलेज लें। जॉब करना चाहे तो जॉब करें, प्लस उसमें बीटेक ले, बीटेक कॉलेज जो भी है, जब जॉब करेंगे तो याद रखें प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में अलाउ नहीं रहता है जॉब करना। और जॉब जहां पर भी करोगे वहां परमिशन लेना पड़ेगी, तो एक बार बात कर लें कि एग्जाम देने देंगे या नहीं देने देंगे, पैसे बर्बाद ना करें, नहीं तो आपकी फीस चली जाएगी। अब यहां पर बीटेक ओनली हमने यहां पर एक्सप्लेन कर ही दिया, बीटेक प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ये भी मैंने बता दिया यहां पर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में भी बता दिया मैंने। अब ये जो ऑप्शन है, ये वाला बड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एग्जाम की। बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे हमारी बात होती है, मैं एकदम क्लियर ही बता रहा हूं, जॉब छोड़ के आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स से बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से घर पे बैठे हैं, कोई भी एग्जाम नहीं निकला है। इसलिए मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं आपको, आप घर पर ना बैठे ये सोचकर कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हैं। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की सच में तैयारी करना चाहते हो तो घर पे बैठ के ना करें। आप कोई जो भी मेन सिटी आपकी, जहां पर लगता है आपको कि यहां पर कोचिंग अवेलेबल है, वैसे ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी कोई बड़ी बात नहीं, आजकल ऑनलाइन यूट्यूबर हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है उससे तैयारी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप घर से बाहर ही रहेंगे, वहां रहकर आप तैयारी करें, तब आप कहीं क्रैक कर पाएंगे किसी एग्जाम में। वो गवर्नमेंट में आपके कितने ऑप्शन हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतने ज्यादा ऑप्शन हैं। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको वहां पर बताऊंगा कि गवर्नमेंट की कितनी ऐसी कंपनियां हैं या ऐसी कितने ऑप्शन हैं कि जहां पर आप बड़े आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। सबके बारे में बताऊंगा, मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा, आप बस जुड़े रहें। तो वह है ऑप्शन में जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन तो आपने सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि आप सिर्फ दो ऑप्शन जानते हैं, एसएससी जेई और आरआरबी जेई, इन्हीं की तैयारी करते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती रहती हैं जिन पे आप फॉर्म भी नहीं डाल पाते हो, पता ही नहीं चलता। तो मैं इस बार कोशिश करूंगा वैकेंसी अपडेट करवाऊंगा, और जो कंपनी, कुछ ऐसी हैं गवर्नमेंट कंपनियां जो वैकेंसी निकालती हैं, तो उनकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि कब निकालती हैं और कब एग्जाम लेती हैं, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी। अब एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि बीटेक करेंगे सर तो आप तैयारी करवा देंगे, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, आप बीटेक किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी ले लें, मैं आपको 100% बीटेक थर्ड सेम से लेकर कितने 8 सेम तक कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, जैसा डिप्लोमा आपको पास आउट करवाया है वैसे ही बीटेक करवाऊंगा। ठीक है, फर्जी बीटेक ना करें कि एग्जाम देने पहुंच गए कुछ भी कॉपी भरकर आ गए और पास हो गए, ये आप ना करें, ना उन लड़कों से कंपेयर करें जो लड़के ऐसा करते हैं। आपको लीगल बी करना है, आप कॉपी पर जो लिखकर आ रहे हैं वो पढ़कर जाएं, नॉलेज लें, क्योंकि आपको सिर्फ बीटेक नहीं करना है। यदि आपने, जो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, सीधा गए कॉलेज में और एक दिन पहले क्यूबी खरीदी और कुछ भी लिख कर आ गए और पास आउट भी हो गए, वो लड़के गवर्नमेंट एग्जाम के एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और आप क्या लेकर चलें, हमें गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, क्या करना है, निकालना है, निकालना है। और ये जब ही निकलेगा जब आप बीटेक को सीरियस लेंगे, सीरियस लेने का मतलब जो बीटेक में सब्जेक्ट हैं, जो डिप्लोमा सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इनकी जब बेसिक नॉलेज लेंगे, और बेसिक नॉलेज पर और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। मैं डालता रहता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा कंटिन्यू, आप बस जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें।
तो वहां पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, लेकिन डाउट रहता है तो प्रैक्टिस से वह सब आ जाता है। तो याद रखें, फर्जी बीटेक जो भी कर रहे हैं, मतलब बिना पढ़े ऐसे पेपर दे के आ रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते, वो हमेशा ही प्राइवेट जॉब करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। उनका पर्पज ही यही है कि प्राइवेट जॉब करना। लेकिन यदि आपका प्राइवेट जॉब करना पर्पज नहीं है, तो आप बीटेक में एडमिशन लें, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, 100% आप ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम दें। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप बीटेक करें, लेकिन बीटेक के लिए टाइम निकालें थोड़ा थोड़ा, जब घर पे जॉब से आ जाते हो उसमें थोड़ा टाइम दें और पढ़ें, सिलेबस देखें, सिलेबस का पढ़ें बीटेक का, कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, डेली थोड़ा थोड़ा समय दें, आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं छूट जाएगा, आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा, वो अंडरटेकिंग हो सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है मल्टीनेशनल, जिसमें आप अच्छे अच्छे इंटरव्यू फाइट कर सकते हैं बीटेक के बाद। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, और ये कोर्सेज का बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप प्राइवेट में सच में जॉब करना चाहते हैं तो ये वाले कोर्स पर करके भी जा सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स मैंने बताए थे आपको, और सॉफ्टवेयर जो भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है वह भी सीख कर जा सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, प्योर जॉब कर रहे हैं, वो लोग घबराए नहीं, छोड़े नहीं जॉब, क्योंकि 10 से 12 या 15 हजार अभी आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन 1 साल बाद या 6 महीने बाद, मैं कहता हूं मिनिमम 1 साल ले लेते हैं, आपको 25 से 30 हजार, 25 से 30 हजार, 25 के से लेकर 30 के तक सैलरी मिलने लगेगी, यदि आप में टैलेंट है काम सीखने की। तो ये मैं बताता हूँ, 1 साल बाद आप अच्छी सैलरी पे पहुंच जाएंगे। तो फिर जॉब ना छोड़ें, जॉब सीरियस लें, उसको अच्छे से करें। बकाया आपके पास मेरा कांटेक्ट रहता है, जब भी आप किसी भी कॉलेज में बीटेक में एडमिशन ले लें आप हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं उस आपकी तैयारी करवा दूंगा जो भी सब्जेक्ट होंगे। और आप हमारे थ्रू कहीं भोपाल के अंदर, याद रखें कहाँ, भोपाल के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे कॉलेज में आप जॉब करते हैं, परेशान है कि आपको कॉलेज ना आना पड़े और सिर्फ प्रैक्टिकल देने आएंगे, क्या प्रैक्टिकल देने आना पड़े और सीधा एग्जाम देंगे और परेशान ना हो, तो मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन दिलवा दूंगा। और मतलब जो भी हमारे टीचर पहचान के रहते हैं तो उनसे बोल दूंगा, जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह हैं आपको मिल जाएंगे, और सिर्फ एग्जाम देना आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम और मैंने एग्जाम, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमसे भोपाल में यदि लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा एडमिशन, ये भी आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।